उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सिपाही के चक्कर में आधी रात चली थाने में गोली, इंस्पेक्टर समेत 5 निलंबित। अभी बरेली शहर के थाने में इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के अवैध संबंधों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार की रात को बहेड़ी थाने में बवाल हो गया। बहेड़ी थाने में महिला सिपाही के चक्कर में थाने में गोली चल गई, वो तो गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। जैसे ही थाने में गोली चली पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई और उसी रात में एसएसपी तक ये मामला पहुंच चुका है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने मामले में बहेड़ी थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार, सिपाही योगेश चहल, मोनू व मनोज को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। जानकारी के मुताबिक थाने में तैनात सिपाही मोनू का सिपाही योगेश चहल से एक महिला सिपाही को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों महिला सिपाही को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, प्रेम प्रसंग की बात कह रहे थे। रविवार को मोनू महिला सिपाही को लेने गया, इसी दौरान पीछे पीछे बाइक से सिपाही योगेश चहल अपने साथी सिपाही मनोज को लेकर गया। मोनू महिला सिपाही को लेकर आ रहा था, पीछे चल रहे योगेश चहल ने दोनों की वीडियो बना ली। योगेश की ये हरकत मोनू ने देख ली, दोनों में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि पूरे प्रकरण की जानकारी के बाद थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना व इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार ने अधिकारियों को घटना से अनजान रखा। घटना की जानकारी पर एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह रात में ही थाने पहुंच गए। पूछताछ में मोनू ने सिपाही योगेश पर परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में सिपाहियों की महिला सिपाही को लेकर विवाद की बात सामने आई। इसी के बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि नहीं लिखी गई प्राथमिकी, महिला सिपाही को कार्रवाई से रखा गया दूर। नियम के मुताबिक मामले में फायर करने वाले पुलिस कर्मियों पर प्राथमिक भी लिखी जानी चाहिए थी। मंगलवार देर रात तक मामले में कंप्लेंट नहीं लिखी गई थी। जिस महिला सिपाही के चलते पूरा विवाद खड़ा हुआ उसे कार्रवाई से दूर रखा गया। सिपाही मोनू मूल रूप